हेलो एवरीवन पिता की न्यूज किचन में स्वागत है आपका आज हम घर पर ही बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल आटे की ये केक जिसमें कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है घर के बने हुए इंग्रेडिएंट्स से ही इतनी बढ़िया मज़ेदार सी केक बनाएंगे जिसे बनाना काफ़ी आसान है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन आप कुकर में भी बना सकते हो और नमक को इस तरह से हमें सारों बाजू फैला देना है फिर इसके ऊपर मैं स्टैंड लगा दूंगी अब मैं इसे गर्म करने रखूंगी मीडियम टू लो फ्लेम में कम से कम बीस मिनट तक यानी एक भट्टी जैसा बन जाए और रेडी हो जाए अब एक बाउल ले लेना है इसमें मैंने वन हाफ यानी कि आधी कटोरी जितना घी लिया है देसी घी आप बटर भी उपयोग कर सकते हो और शक्कर ली है पीसी हुई वन थर्ड कप पूरी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट उसका माप पता चल जाएगा इसे अच्छे से फेंटना है और एक रस कर देना है शक्कर और घी को अब इसमें डालेंगे बादाम क्रश की हुई मैंने बारह से पंद्रह बादाम को मिक्सर में क्रश कर दिया और उसे डाल दे रही हूँ इसमें मैंने डाला है दो बड़ा चम्मच भरकर घर का बना हुआ दही खट्टा दही नहीं लेना है अब विस्कर की मदद से इसे अच्छे से फेंटना है कम से कम पाँच से सात मिनट तक जब तक ये अच्छे से सब कुछ इसमें मिक्स ना हो जाए इसके बाद ही हम इसमें आटा डालेंगे तो यानी ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पर ही होते हैं तो हम आसानी से इसे बना सकते हैं एक कटोरी भर के मैं आटा ले रही हूँ और इसे इस तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना पड़े आधी छोटी चम्मच जितना हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग पाउडर डालना है बस सभी इंग्रेडिएंट्स ड्राइ इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे हम एक छोटा कप जितना दूध तो यानी नॉर्मल दूध है नॉर्मल टेम्परेचर दूध है तो इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और विस्कर की मदद से हम चलाते जाएंगे ये आटा है तो आटा कई बार टेक्सचर में एकदम स्मूद नहीं होता तो हमें बैटर काफ़ी स्मूथ चाहिए केक के, के लिए तो अगर कम पड़े तो आप थोड़ा और इसमें दूध डालकर एक कंसिस्टेंसी बैटर की एकदम ढोसे जैसी कर देनी है हमें तो बस मैंने थोड़ा और दूध डाल दिया है इसमें यानी करीबन मैंने सवा कप जितना दूध डाला है और इस तरह का बैटर कंसिस्टेंसी बना दिया है अब हमारा बैटर रेडी है तो इस तरह से मेरे पास एक हार्ड शेप का टिन है आप कोई भी टिन में बना सकते हो अगर आपके पास इस तरह से टिन ना हो तो आप स्टील के बर्तन में भी इसे बना सकते हो ग्रीस करना है फिर से थोड़ा सा घी लेकर इसमें चारों तरफ से और इसमें हमें यह बैटर पौर कर देना है बैटर बीच में हम इस तरह से पौर करेंगे और फिर बाद में इसे अच्छे से टैप करेंगे ऊपर से मैं क्रश कर की हुई बादाम को फिर से इस इस तरह से हार्ड शेप में सजा रही हूँ आप किसी भी शेप में इसे सजा सकते हो बस तो केक हमारी रेडी है बनने के लिए जो हमने प्री हीट बर्तन रखा था पैन उसी में मैं डाल रही हूँ केक को बनने के लिए आप कुकर में भी बना सकते हो और कुकर का ऊपर का जो विसल है और रिंग है उसे निकाल कर बनाना इस तरह से बर्तन में आप देख सकते हो ढक्कन में छेद है तो हमें ऐसे ही बर्तन में बनाना है पूरा इसको कवर नहीं करना है हवा थोड़ी आ जा रहे ऐसे ही बर्तन में हमें बनाना है कम से कम पैंतीस से चालीस मिनट मुझे लगे थे इस केक को बनाने में मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे पकाना है और जब ये रेडी हो जाए हमें टूथपिक डालकर चेक कर लेना है टूथपिक पूरी क्लियर निकलनी चाहिए तब यह रेडी है इसे ठंडा होने रखने देना है और काफ़ी बढ़िया स्मेल भी आ जाएगी ठंडा करने के बाद ही हमें इसे निकालना है टीन से और ये देखिए एकदम रस्ट कलर आ चुका है बढ़िया पकी हुई है एकदम मज़ेदार सी ये केक हमारी रेडी हो चुकी है तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना और हाँ आपने इस रक्षाबंधन आपके भाई के लिए कौन सी रेसिपी ट्राई की मुझे वो भी कमेंट में बताना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर थैंक यू